फैक्ट्स वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आप आज पबजी से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को इस वीडियो में जानने वाले हो। पबजी एक ऐसा गेम है जिसके लाखों करोड़ों दीवाने हैं, तो आप यदि सच्चे पबजी लवर हो तो इस वीडियो को शुरू से एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि पबजी गेम को एक जापानीज मूवी को देख करके बनाया गया है। इस मूवी का नाम है बैटल रॉयल। इसको देखकर ही जो है पबजी गेम को डिज़ाइन किया गया है। इस मूवी में होता क्या है कि 100 स्टूडेंट्स को एक हेलीकॉप्टर से एक खुफिया जगह पर उतारते हैं और उनकी आपस में लड़ाई करवाते हैं, और जो अंत में बचता है वो फाइनली विनर कहलाता है। उन्हें इसी मूवी को देख करके पबजी गेम बनाने का आइडिया मिला था ब्रैंडन ग्रीने को। फैक्ट नंबर टू, और क्या आप जानते हैं कि जो पबजी गेम है इसने रिलीज होने के 3 दिन के अंदर ही 70 करोड़ रुपए कमा लिए थे। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि पबजी गेम को बनाने में 70 गेम डेवलपर और शुरुआत में बनाने में 1 साल का समय लगा था। फैक्ट नंबर फोर, ऑनलाइन गेमिंग में पबजी के एक दिन में 1.34 मिलियन प्लेयर एक साथ गेम में खेलने का रिकॉर्ड सिर्फ पबजी के पास है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं कि गेम डेवलपिंग सीखने से पहले ब्रैंडन ग्रीने ब्राज़ील में एक फोटोग्राफर और वेबसाइट डेवलपर हुआ करते थे। यदि वो वही सब काम करते रहते तो वो पबजी को नहीं बना पाते। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आप जानते हैं कि पबजी के पास कौन कौन से पुरस्कार हैं। पबजी के पास बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, दूसरा पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, एस्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कार हैं पबजी के पास। इन पुरस्कारों से जो है पबजी को सम्मानित किया गया है। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आप जानते हैं कि पबजी मोबाइल के लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन पबजी पीसी के लिए आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं। पीसी में जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होता है मोबाइल के मुकाबले, तो इसके लिए आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर एट, क्या आप जानते हैं पबजी ने बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के इतनी पॉपुलैरिटी को पाया है। जैसे कि आप किसी ऐप को चलाते हैं, किसी चीज़ को चलाते हैं, तो कभी कभी हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं किसी गेम के कि आप इस गेम को डाउनलोड कीजिए, इससे जो है गेम जो है फेमस होता है। तो ऐसा पबजी ने कभी नहीं किया कि एडवर्टाइजमेंट दिया हो, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पबजी इतना फेमस हो गया है। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आप जानते हैं कि पबजी में क्लासिक गेम के मैप में ब्लू जोन जो होता है वो पहले चौकोर देना चाहते थे वो लोग। उसको जो है कोडिंग में जो है परेशानियां आ रही थी, जिसके कारण उसे जो है गोल कर दिया गया। फैक्ट नंबर टेन, क्या आप जानते हो कि आप पबजी के अंदर ही 3 टाइप के गेम खेलते हो। पहला क्लासिक बैटल ग्राउंड, दूसरा ईवो बैटल ग्राउंड, थर्ड एरकेड बैटल ग्राउंड। फैक्ट नंबर 11, शुरुआत में क्लासिक गेम में प्लेयर को एक वेयर हाउस से छोड़ा जाता था, ना कि एरोप्लेन से। शुरुआत में जो है आप लोगों को एक गोदाम से जो है छोड़ा जाता था, अब तो खैर एरोप्लेन से जो है उतारा जाने लगा है प्लेयर्स को। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हो कि पबजी के एरेंगल मैप का जो नाम है ब्रैंडन ग्रीने की बेटी के नाम पर रखा है। फैक्ट नंबर 30, क्या आप जानते हो कि यूरोप देशों में जब भी किसी गेम में पैसे इनाम में जीते जाते थे, तब वहाँ पर जो है चिकन डिनर किया जाता था, तभी से जो है विनर विनर चिकन डिनर वाली टैगलाइन जो है फेमस हुई थी। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हो कि पबजी गेम का पूरा नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है, पर क्या आप जानते हैं कि अननोन बैटल ग्राउंड वर्ड इसलिए उपयोग किया गया है क्योंकि इसमें जो लोग खेलते हैं वो अननोन होते हैं, मतलब अनजान होते हैं एक दूसरे से। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हो कि पबजी गेम जो है इसे 23 मार्च 2017 को ब्रैंडन ग्रीने ने रिलीज़ किया था, जो कि आयरलैंड में रहते हैं। दोस्तों, इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, गेम से जुड़ी फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।